हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि इंडियन रेलवेज में ट्रेन्स का ऑपरेशन कैसे होता है, मतलब कि अगर हिंदी में समझा जाए तो फिर ट्रेन्स का परिचालन कैसे होता है इंडियन रेलवेज में। तो आपके मन में ये डाउट काफी समय से रह रहा था और इसे आज हम समझ लेंगे। तो इंडियन रेलवेज में टोटल 6 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें से 3 मेन हैं और बाकी के 3 उतने कुछ काम के नहीं हैं। तो आज मैं आपको उन 3 के बारे में ही ज्यादा अच्छे से बताऊंगा, लेकिन वो 6 कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, तीसरा है ओनली वन ट्रेन सिस्टम, चौथा है फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, पांचवा है पायलट गार्ड सिस्टम और सिक्स्थ है ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम। अब इनमें से जो पहले के 3 हैं बस वही सबसे ज़्यादा काम के हैं, बाकी के 3 उतने कुछ यूज़ होते नहीं हैं अब, इसलिए वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ पहले के 3 के बारे में एकदम अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के बारे में। तो अब हम 2 स्टेशन का एग्जांपल लेके समझेंगे इसे। पहला है स्टेशन ए और दूसरा है स्टेशन बी। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी स्टेशन ए पे है और उसे स्टेशन बी पे जाना है, तो जो स्टेशन ए का स्टेशन मास्टर है, या फिर अब रेलवे ने उन्हें नया टर्म दे दिया है स्टेशन मैनेजर, तो उन्हें अगर इस ट्रेन को सिग्नल देना है तो सबसे पहले तो उन्हें स्टेशन बी से परमिशन मांगनी पड़ेगी, और उसी परमिशन को कहते हैं लाइन क्लियर। अब लाइन क्लियर का मतलब क्या है? तो लाइन क्लियर का मतलब ये है कि स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच में कोई भी ट्रेन नहीं रहनी चाहिए एक डायरेक्शन में, वो पूरी की पूरी पटरी खाली होनी चाहिए। अगर वहाँ पर कोई भी सेम डायरेक्शन की ट्रेन है तो फिर स्टेशन ए से इस ट्रेन को परमिशन नहीं दी जा सकती, मतलब कि इसे यहाँ पर रेड सिग्नल ही रहेगा, ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा सकता। तो अब आपको डाउट आ रहा होगा कि स्टेशन ए वाले परमिशन कैसे मांगते होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, सारे स्टेशन मैनेजर के पास एक फोन होता है जिससे कि वो अपने अगले स्टेशन और पिछले स्टेशन वालों से बात कर सकते हैं, और उनके पास एक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि लाइन क्लियर दिया जा सकता है। और मैं आपको बता दूँ, ये जितनी भी मशीनरीज है इनके कनेक्शन ट्रैक्स के आजू बाजू अंडरग्राउंड दे दिए गए हैं, इसलिए इनका संबंध ना तो इंटरनेट से है ना तो किसी और चीज से, डायरेक्टली रेलवे ने इसके लिए केबल्स बिछाए रखे हैं और उन्हीं से ये सारे काम हो जाते हैं। तो अब जैसे ही स्टेशन बी के स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर कर देते हैं तो स्टेशन ए के स्टेशन मास्टर को भी ये चीज पता लग जाती है, और उसके बाद ही वो जो हमारी ट्रेन है उसे वो सिग्नल देते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर लाइन क्लियर ना रहे तो स्टेशन ए के स्टेशन मास्टर अपने मन से कभी भी सिग्नल नहीं दे सकते हैं। तो यही है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, कि 2 स्टेशन के बीच में बस एक ही गाड़ी चलेगी। और ये सिस्टम भी इतना सटीक है कि अगर कोई ट्रेन स्टेशन बी की तरफ जा रही है तो वो पूरी की पूरी ट्रेन जब तक स्टेशन बी में एंटर नहीं हो जाती, मतलब कि उसका जो लास्ट डिब्बा है जब तक वो पूरा का पूरा स्टेशन बी में चले नहीं जाता, तब तक स्टेशन ए का सिग्नल नहीं आएगा, मतलब तब तक स्टेशन ए के सिग्नल को ग्रीन अप नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसे हम कहते हैं ट्रैक सर्किट, और उसी के साथ साथ एक एक्सेल काउंटर भी लगे रहते हैं। तो ये हर स्टेशन के बाद में और हर स्टेशन के पहले 2 जगह पे लगे रहते हैं। तो ट्रैक सर्किट का मेन काम क्या है, इसके लिए तो मैं अलग वीडियो डेडिकेट करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बस इतना समझा सकता हूं कि उनका काम है ट्रेन को पूरी अच्छी तरीके से डिटेक्ट करना, मतलब कि ट्रेन जैसे ही उसके ऊपर से जाती है तो उसे डिटेक्ट कर लेता है और आगे स्टेशन में स्टेशन मास्टर के पास वो जानकारी चले जाती है। और स्टेशन मास्टर के पास तो एक बहुत बड़ा सा पैनल होता है जिसमें कि पूरी ट्रेन आसानी से दिखती है, उनका जितना भी एरिया होता है उसमें जैसी कोई गाड़ी एंटर करेगी तो उसमें पता लग जाता है। और एक्सेल काउंटर का काम क्या है? तो एक्सेल काउंटर का काम है कि जो पहिए हैं, मतलब कि जो 2 पहिए एक साथ लगे रहते हैं, हम इसी को एक्सेल कहते हैं, तो पूरे के पूरे एक्सेल को गिनना। तो अब अगर कोई गाड़ी स्टेशन ए से निकल रही है तो सबसे पहले तो स्टेशन ए के एक्सेल काउंटर और साथ ही साथ ट्रैक सर्किट वो सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद जैसी वो ट्रेन स्टेशन बी में पहुंचती है तो जितने पहिए यहाँ से निकले हैं, मतलब कि जितने पहिए स्टेशन ए से निकले हैं, उतने ही स्टेशन बी में होने चाहिए। जब तक वो सेम चीज स्टेशन बी में नहीं जाएगी तब तक सिग्नल नहीं मिल सकता है। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सिग्नल देना कोई इतना आसान काम नहीं है। जब तक लाइन बिल्कुल टोटली क्लियर ना हो तब तक ग्रीन सिग्नल नहीं आ सकता है। तो अब आपको स्टेशन ए और स्टेशन बी के एग्जाम्पल से लगभग सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि सिग्नल को कैसे देते हैं, और ये चीज स्टेशन मास्टर की मर्जी में नहीं रहती। सिग्नल देना बस इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस रूट पे बीच में कोई गाड़ी ना हो। लेकिन अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि मान लीजिए कोई एक्सप्रेस ट्रेन अगर जा रही है तो फिर लगातार कैसे चलती है? उसे तो हर स्टेशन पे रुकना पड़ेगा, फिर स्टेशन मास्टर अलग से परमिशन लेगा तभी उसे जाने देगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है। अब इसके लिए आप ये समझिए कि हर डिवीजन में, मतलब कि रेलवे के बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं, जोन्स के अंदर डिवीजन्स होते हैं, मैंने बताया था रेलवे जोन्स के वीडियो में, तो हर डिवीजन में एक कंट्रोल ऑफिस रहता है जिसमें कि कंट्रोलर्स रहते हैं बहुत सारे। तो उनका काम ये होता है कि पूरे सेक्शन में ट्रेन्स कैसे चल रही है इसे कंट्रोल किया जाए। तो जो भी एक्सप्रेस ट्रेन होती है तो स्टेशन मास्टर को तो पता ही होता है कि भाई वो हमारे स्टेशन पे रुकेगी कि नहीं, और जैसे ही वो गाड़ी आती है तब भी उन्हें समझ आ जाता है कि ये टाइम हो गया है तो ये गाड़ी आ रही है। तो ट्रेन के आने के पहले ही वो नेक्स्ट स्टेशन से परमिशन लेते हैं और उस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। और उस समय कोई बीच में मालगाड़ी चलाते नहीं है, तो कोई भी मालगाड़ी जो होगी तो स्टेशन में ही खड़ी रहती है जब भी एक्सप्रेस ट्रेन कोई आती है। उसके बाद फिर जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेशन में पहुंचने वाली होती है तो नेक्स्ट स्टेशन वाला उसके अगले स्टेशन से परमिशन ले लेता है, और ऐसे ही कंटिन्यू करते करते
वो ट्रेन आखिरी तक पहुंच जाती है और ये स्टेशन मास्टर्स तब तक उस एक्सप्रेस ट्रेन को सिग्नल रेड नहीं करते जब तक कंट्रोलर का आदेश नहीं आता। मतलब कि डिवीजन से कंट्रोलर का उन्हें आदेश आएगा कि इस ट्रेन को आप यहाँ पर रोक दीजिए, तभी स्टेशन मास्टर उस ट्रेन को रेड सिग्नल दे सकते हैं। अब ये भी कई बार होता है कि किसी ट्रेन को अगर ओवरटेक करवाना रहा राजधानी या फिर शताब्दी से या फिर कोई भी प्रीमियम ट्रेन से, तो उस समय बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेन को रोकते हैं, तो वैसे टाइम पे कंट्रोलर स्टेशन मास्टर को आदेश देता है। लेकिन मालगाड़ियों के केस में ऐसा नहीं होता। मालगाड़ियों के केस में हर स्टेशन मास्टर को, मतलब कि हर स्टेशन के स्टेशन मास्टर को कंट्रोलर से बात करते रहनी पड़ती है लगातार कि भैया मालगाड़ी यहाँ पर आ रही है, हम अपने स्टेशन में उसे रोकें या फिर आगे जाने दें। और अगर वो आगे जाने बोलता है तो फिर वो फिर से दूसरे स्टेशन मास्टर से बात करके उसे सिग्नल ग्रीन दे देते हैं। और ऐसे ही वो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। मतलब कि फिर मालगाड़ी नेक्स्ट स्टेशन में जाएगी, वो भी कंट्रोलर से बात करेगा कि इसे हम रोकें कि जाने दें। तो ऐसा चलते रहता है। मतलब कि मालगाड़ी में लगातार कंट्रोलर से पूछना है और एक्सप्रेस में उतना पूछने की जरूरत नहीं रहती। उसमें कंट्रोलर अगर एक्सप्रेस ट्रेन को रोकना चाहे तो अपने आप आदेश दे देता है। अब आप समझ सकते होंगे कि रेलवे का सिस्टम कितना ज्यादा सटीक है। और अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि मान लीजिए कोई भी गाड़ी हो वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई, तब एक्सल काउंटर तो उसे गिन नहीं पाएगा। मतलब बीच में मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ और हो गया, तो फिर बीच में लाइन क्लियर कैसे देंगे? क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर उन चक्कों को तो आगे लेके जा नहीं सकते, तो फिर एक्सल काउंटर को क्या हम क्या गिनाएंगे? तो उसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि सबसे पहले तो जो ट्रेन के रैक वगैरह हैं उसे साइड में रखा जाता है, सब कुछ पटरी को साफ किया जाता है, और जैसे ही ऐसा लगता है कि पटरी चलने लायक है तब फिर जो स्टेशन ए है, अब मान लीजिए हादसा स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में ही हुआ है, तो जो स्टेशन ए है उसका स्टेशन मास्टर उस ट्रेन के लोको पायलट को और साथ ही साथ गार्ड को भी एक मेमो दे देगा। मेमो का मतलब एक कागज है जिसे आप मेमोरेंडम कह सकते हैं अगर फुल फॉर्म बताऊं तो। तो उसमें डायरेक्टली ऐसी परमिशन रहती है कि आप इन दोनों स्टेशन के बीच में जा सकते हैं, और अगर वो मेमोरेंडम नहीं दिया जाता है तो फिर लोको पायलट अपनी मर्जी से भी नहीं चला सकते। और ये मेमोरेंडम हमेशा काम आता है, मान लीजिए अगर कोई सिग्नल खराब हो जाए या फिर कुछ और कारण हो तो तब तक उस ट्रेन के लोको पायलट को मेमो या फिर मेमोरेंडम दिया जाता है। तो यहाँ से आप एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम को तो काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। अब इसके बाद जो आता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, तो हम ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम को अभी नहीं जानेंगे, इसके लिए मैं पूरा अगला वीडियो डेडिकेट करूंगा। इसमें पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का भी कॉन्सेप्ट है, तो हम उसमें ये भी समझ लेंगे कि ऑटोमेटिक सिग्नल्स क्या होते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला है, मतलब कि ओनली वन ट्रेन सिस्टम, तो इसे हम अभी ही जानेंगे। तो ये जो ओनली वन ट्रेन सिस्टम है, ये सिस्टम बस उन्हीं जगह पर रहता है जहाँ पर कोई साइडिंग हो। साइडिंग का मतलब हो गया कि किसी स्टेशन से वो ट्रैक निकला है और बस एक ही स्टेशन दूर तक गया है और वो एंडिंग है। मतलब कि वहां से आगे ट्रैक्स जाती नहीं है और बीच में उसके कोई स्टेशन भी नहीं है। फिर से हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं स्टेशन ए और स्टेशन बी का। तो मान लीजिए स्टेशन ए से कोई स्टेशन बी की तरफ साइडिंग निकली है, मतलब कि वहां कोई पावर प्लांट होगा या फिर कोई और फैक्ट्री वगैरह होगी जहां पर मालगाड़ी लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जा रही है। तो मैं आपको बता दूं बस स्टेशन ए से इसे सिग्नल दिया जाएगा वहां जाने के लिए, और स्टेशन बी तक बीच में इसमें कोई भी सिग्नल नहीं रहता है। तो ये जो साइडिंग है ये कोई ज्यादा लंबी नहीं रहती है, ऐसे ही छोटा मोटा कोई पोर्शन का बना देते हैं। पर यहाँ पर अगर ट्रेन्स का मूवमेंट कराना है तो स्टेशन ए के स्टेशन मास्टर को इन्हें एक टोकन देना पड़ता है। वो टोकन एक डब्बे के अंदर बंद रहता है एकदम अच्छे से, और जैसे ही वो टोकन को लोको पायलट को दे देंगे उसके बाद जब तक वो ट्रेन आगे जाके पूरी लोडिंग अनलोडिंग करा के जो भी उसपे कराना है, जब तक वो ट्रेन वापस से स्टेशन में आके उस टोकन को स्टेशन मास्टर को वापस ना दे दे, तब तक यहाँ पर दूसरी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा सकता। मतलब कि दूसरी गाड़ी को सिग्नल नहीं दे सकते हैं। मतलब कि आप फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर लोको पायलट को एक टोकन दिया जाता है और वो टोकन देने के बाद बस एक ही बार सिग्नल आता है। जैसे ही वो ग्रीन सिग्नल हो जाएगा लोको पायलट वहां चले जाएगा। अब जब तक गाड़ी अनलोडिंग हो या लोडिंग हो वो जब तक वापस नहीं आ जाए इसी स्टेशन पे, और साथ ही साथ वो टोकन को स्टेशन मास्टर को देना दें, तो तब तक इस लाइन पे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा सकता या फिर दूसरी ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया जा सकता। तो ये हो गया ओनली वन ट्रेन सिस्टम। अब एग्जांपल के लिए तो आप कोई भी साइडिंग ले सकते हैं, लेकिन एक और बहुत फेमस जगह है जहां पर इंडिया की शॉर्टेस्ट दूरी की ट्रेन चलती है, जो कि एड से कोंच के बीच में चलती है, और ये दोनों स्टेशन है झांसी कानपुर लाइन के बीच में। तो आप यहां से इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। और अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि वो जो टोकन देते हैं वो कहां से देते हैं और वो टोकन कहां पे लगाते हैं। तो ये भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में ही लगाते हैं, वहीं पर ये टोकन को लगाना पड़ता है और साथ साथ वहीं से ये टोकन निकाल के देते भी हैं। तो अब आप यहाँ पर काफी अच्छे से समझ गए होंगे वन ट्रेन सिस्टम के बारे में और साथ ही साथ एडवांस ब्लॉक सिस्टम के बारे में। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम को हम अगले वीडियो में समझेंगे। और यहाँ से आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रेन्स का ऑपरेशन आखिर कैसे किया जा रहा है। अब यहाँ से स्टेशन और सिग्नल्स की सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है। सिग्नल्स को बताने के लिए ये चीज आपके लिए समझना जरूरी था। इसके बाद फिर मैं आपको सिग्नल्स के बारे में भी बता दूंगा, और जैसे ही सिग्नल्स की वीडियोस खत्म हो जाएंगे तो सबसे लास्ट में मैं आपको स्टेशन के बारे में बता दूंगा कि स्टेशन की क्या कैटेगरीज है। वो सिर्फ एक ही वीडियो आएगा लेकिन उससे आपको स्टेशन की कैटेगरीज पता लग जाएंगी। इसके बाद ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर के ऊपर मैं एक अलग वीडियो डेडिकेट कर दूंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से इन दोनों की वर्किंग समझाऊंगा। ये भी वीडियो जल्दी आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं जानता हूँ आज का वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा आपके लिए,
और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके फेवरेट टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।